जो एमएलए चुन के आए हैं उनकी शपथ हुई है, अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना बाकी है, उसकी अधिसूचना जारी होगी। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को नहीं प्राप्त हुआ है। अगर सरकार की तरफ से मुख्य विपक्षी दल मेन अपोजिशन पार्टी होने के नाते अगर बीजेपी को अगर कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स आपस में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए जम्मू कश्मीर असेंबली में चुने जाने हैं, जिनका नामांकन होगा वो कानून के मुताबिक होगा। ये देश का कानून है, ये देश के पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था और धारा 370 पर डिबेट देश के लोकसभा और राज्यसभा में हुई थी। इसका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की असेंबली का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। धारा 370 को देश के पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था, इस पर डिबेट हुई थी और चर्चा के बाद धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। ये देश के पार्लियामेंट का विषय है, धारा 370 का जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे या ना पास करे, डिबेट करे या ना डिबेट करे, उसका कोई लेना देना धारा 370 से नहीं है। जो धारा 370 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि धारा 370 पार्लियामेंट का विषय है, उसका जम्मू कश्मीर की असेंबली से कोई लेना देना नहीं है।